इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से कैसे कर सकते हैं। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उस टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ हिंदी के वाक्य। मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाता होऊंगा, होऊंगा। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, मैं खाऊंगा। यहां पर आपके सामने तीन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब इन तीनों सेंटेंसेस में हम देखेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाक का सबसे लास्ट का जो शब्द है, लास्ट का जो अक्षर है उसको पकड़ेंगे। हूं, पहले वाक में सबसे लास्ट में क्या है, हूं। दूसरे वाक में सबसे लास्ट क्या है, था। तीसरे वाक में सबसे लास्ट क्या है, गा। बिल्कुल, तो हम सबसे लास्ट में ये जो शब्द है इसको क्यों पकड़ेंगे, इसका सिर्फ एक रीजन है कि जितनी जल्दी आप हिंदी के दिए गए वाक का टेंस समझ पाएंगे, दिए गए वाक में कौन सा टेंस है, अगर ये आप जितनी जल्दी समझ पाएंगे आप उतनी जल्दी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप हिंदी में दिए गए वाक का टेंस नहीं समझ पाएंगे तो आप इंग्लिश में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश में किस ट्रांसलेशन में करना है, किस टेंस में करना है, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे वाक के अंत में क्या है, वाक के अंत में यहां पर है हा, यहां पर है था, यहां पर है गा। इसको हम अलग से लिख लेते हैं, हा था और गा। इसी का कोई ना कोई कंपोनेंट आपको मिलेगा, जैसे हा हो सकता है, ही हो सकते हैं, हो सकता है, हो सकता है, यहां पर था, थी, थे, कुछ इस प्रकार से आ सकता है, और यहां पर गा, गी, गे, कुछ इस प्रकार से आ सकता है। तो कोई दिया गया जो वाक्य है हिंदी में वो इन्हीं में से किसी एक में से समाप्त होगा। अब हमारे पास यहां पर तीन शब्द आ गए हैं, हा, था और गा। अब हम देखते हैं जिस सेंटेंस के लास्ट में हा आता है आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस, इसको हम बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल। जी हाँ, वर्तमान काल। और इसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस, हिंदी में बोलेंगे इसको भूतकाल। और जो सेंटेंस गा से खत्म होता है इसको हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस या भविष्यकाल, हिंदी में बोलेंगे भविष्यकाल। समय को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, हिंदी में समय को काल बोलते हैं, टाइम, टाइम को ही इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, और इसी को हिंदी में काल बोलते हैं। समय को हम तीन भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, चौथा कोई टेंस होता नहीं है, चौथा कोई काल होता नहीं है, सिर्फ ये तीन मेन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी के लास्ट में क्या दिया गया, हिंदी के वाक लास्ट में क्या दिया गया, हूं, हा, हा का मतलब है प्रेजेंट, था इसका मतलब है पास्ट, गा इसका मतलब है फ्यूचर। एक बार थोड़ा सा इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल जो चल रहा है, जिस समय आप हैं वो वर्तमान काल हो गया, जो समय व्यतीत हो गया, जो समय व्यतीत हो गया, गुजर गया, उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस, और आने वाले समय को हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो ये नहीं, मोटा मोटा आपको ये जानने के लिए कि इसमें प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है, हिंदी के दिए गए वाक में आप सबसे पहले लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट में हाँ है तो प्रेजेंट, था है तो पास्ट, और गा है तो फ्यूचर। अब इसके बाद हमें दूसरा स्टेप क्या उठाना है, दूसरा स्टेप हमको ये उठाना है कि अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन सा टेंस है, क्योंकि पूरे टेंस कितने होते हैं 12, और इन टेंस को हम कैसे पढ़ेंगे, 1 2 3, थ्री टेंसेस तो आपके ये हो गए, और एक टेंस के अंदर चार होते हैं, इसके अंदर चार होगा, इसके अंदर चार हो जाएगा, इसके अंदर चार हो जाएगा, 3 × 4 = 12, तो इस प्रकार से पूरे 12 टेंस होते हैं, जबकि मेन टेंसेस क्या होते हैं, 3।
अब हम देखेंगे इनमें ये जो चार टेंसेस हैं ये कौन कौन से हैं और इनको हम कैसे पहचानेंगे। ओके, इस टेंस को पढ़ने के बाद हमको समझ में आ गया कि यहां पर ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट टेंस के बाद कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस के बाद हमको क्या करना है कि उस वर्ड के उस शब्द से पहले एक शब्द और लेना है। ये क्या लिखा हुआ है? ता। यहां क्या लिखा हुआ है? ता। यहां इसके अलावा क्या आ सकता है? रहा। इसके अलावा क्या आ सकता है? चुका। और हम क्या देखेंगे? ता, इंडिफिनिट टेंस, रहा, कंटिन्यूअस टेंस और चुका, परफेक्ट टेंस, वन टू एंड थ्री। चौथा कौन सा है? इन दोनों को मिलाकर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम बाद में करेंगे, पहले हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा टेंस दिया गया है? प्रेजेंट, ता, यहां देखिए किससे मिल रहा है? ता से, इंडेफिनिट। सिर्फ आपको यहां पर चेंज करना है, अगर यहां पर मैं सेंटेंस लिखता हूं कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, कैसे आप पहचानेंगे? हूं क्या हो गया? ये प्रेजेंट। रहा, रहा कंटिन्यूअस, कौन सा हो गया ये आपका? कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर मैं यहां पर लिखता हूं मैं खाना खा चुका हूं, आप कैसे पहचानेंगे इसको? सबसे लास्ट में देखेंगे हूं, प्रेजेंट, उसके पहले क्या लिखा हुआ है? चुका, परफेक्ट। तो आप इस टेक्निक से पहचान सकते हैं कि दिया गया वाक्य किस टेंस में है। दिया गया वाक्य किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं यहां पर हूं की जगह था लिख देता हूं। हूं की जगह क्या लिखूंगा? था। ये लीजिए, मैं खाना खाता था, टेंस बदल गया, क्या हो गया? पास्ट और इंडिफिनिट। मैं खाना खा रहा था, अब ये क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। मैं खाना खा चुका था, ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि दिए गए सेंटेंस के सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में क्या है? सबसे लास्ट में अगर हा है तो प्रेजेंट, उसके पहले अगर ता है तो इंडिफिनिट, अगर ता की जगह रहा है तो कंटिन्यूअस, अगर ता की जगह चुका है तो परफेक्ट। इस तरीके से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि दिए गए वाक्य में टेंस कौन सा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को कन्वर्ट करके देखेंगे, ट्रांसलेट करके देखेंगे कैसे। मैं जाता हूं, तुम जाते हो, वह जाता है, राम जाता है, बच्चे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? दिए गए सेंटेंस का टेंस क्या है। तो दिए गए सेंटेंस में टेंस कैसे ढूंढेंगे? पहली टेक्निक अप्लाई करेंगे हूं, प्रेजेंट, ता, इंडिफिनिट। क्या हो गया? प्रेजेंट इंडिफिनिट। वैसे इसमें भी देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब हमको ये क्लियर हो गया कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस में है, ये है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अब हम दूसरी चीज क्या देखेंगे? दूसरी चीज देखेंगे कि इसको अब ऐसी कौन सी चीज है, सेंटेंस में ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है, सब्जेक्ट एक ऐसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि जिसको जिसके अनुसार हम ट्रांसलेट करते हैं।
जिसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लेकर के आते हैं। सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। इसमें सब्जेक्ट क्या है? किसी का नाम। इसमें सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। हमारे पास कई तरीके के सब्जेक्ट हो गए, इनको हम एक बार यहां पर लिख लेते हैं। आई, यू, ही, राम और चिल्ड्रेन। ओके, हमने यहां पर सब्जेक्ट लिख लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट कैसे मिलेंगे? आपको सब्जेक्ट दो तरीके से मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? या तो आपको मिल रहा है प्लूरल, या तो आपको मिल रहा है सिंगुलर। जी हां, ये आपकी दूसरी टिप है। सब्जेक्ट को आपको देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो हम सब्जेक्ट को दो कैटेगरी में लिखते हैं, दो कैटेगरी की बना लेते हैं। सिस्टमैटिक वे से इनको थोड़ा सा लिख लेते हैं, और इस कैटेगरी को अगर आपने समझ लिया तो ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, दिमाग के ही अंदर कर सकते हैं। जैसे ही, सी, इट और यहां पर किसी का नाम। नीचे क्या लिखेंगे? आई, यू, वी, दे। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे? ये हो गया आपका सिंगुलर का पोर्शन, ये क्या हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया आपका प्लूरल। सिंगुलर नेम भी किसी का सिंगुलर होता है, सिंगुलर भी आ सकता है इसमें। कैसे? बॉय, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका? बॉयज। आपको दो कैटेगरी में इनको सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। पूरे ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी ट्रांसलेशन करना है, कोई भी टेंस करना है, आपको यह ध्यान में रखना होगा सिंगुलर एंड प्लूरल। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है वो सिंगुलर एंड प्लूरल के अकॉर्डिंग ही आती है। देखते हैं, अब आप कह सकते हैं कि ये जो आई है ये तो सिंगुलर है। बिल्कुल सही बात है, ये सिंगुलर है, बट अकॉर्डिंग द टेंस ये कभी हम सिंगुलर में कंसिडर करते हैं, कभी प्लूरल में कंसिडर करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम प्लूरल के साथ ही कंडीशन करते हैं। दूसरी चीज, यू, यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। एक बार मैं आपको बता देता हूं, ही मींस वाय, ये किसके लिए होगा? बॉय। किसके लिए होगा? मैस्कुलिन के लिए। सी मींस वाय, ये किसके लिए होगा? फेमिनिन के लिए होगा। इट, यह, ये किसके लिए होगा? न्यूट्रल जेंडर के लिए होगा। नेम, ये किसी का नाम है। बॉय लड़का, ये सिंगुलर है। आई, आई मींस मैं। यू, यू मींस तुम सिंगुलर भी होगा और प्लूरल में इसका तुम ही होता है, यू। वी, हम, ये प्लूरल होगा। दे, वे प्लूरल है और ये भी बहुवचन प्लूरल है, बॉयज लड़के। अब मैं आपको एक और सीक्रेट बताना चाहता हूं, वो ये है कि अगर ही के साथ जो रूल आ रहा है वही सी के साथ होगा, वही इट के साथ भी वही रूल अप्लाई होगा, वही नेम के साथ रूल अप्लाई होगा, वही वाय के साथ रूल अप्लाई होगा। कहने का मतलब ये है कि इस कैटेगरी में जो भी सब्जेक्ट दिया गया है उनके साथ एक रूल अप्लाई होगा, और इस कैटेगरी में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनके साथ में एक रूल अप्लाई होगा। अब हम ट्रांसलेट करके देखते हैं, हमारे पास दो चीजें आ गई। पहली चीज, आप ये जान गए हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, और आप ये जान गए हैं कि दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर कैटेगरी में आ रहा है या प्लूरल कैटेगरी में आ रहा है। ओके, अब हम ट्रांसलेट करके देखते हैं कि ट्रांसलेट कैसे करें। पहले सेंटेंस से हमारा मैं जाता हूं, आप पहचान गए होंगे कि ये क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। मैं जाता हूं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट बोलेंगे आई, किस कैटेगरी में है? प्लूरल कैटेगरी में। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल कैटेगरी में होता है, प्लूरल होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब की सीधे फर्स्ट फॉर्म लिख देना है। वर्ब की सीधे फर्स्ट फॉर्म लिख देना है, कब? प्रेजेंट इंडिफिनिट और अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको आप बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव
सेंटेंस। ये मैं बात कर रहा हूं अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस की। अगर ये सेंटेंस दिया गया है आपको सिंपल सा, मैं जाता हूं, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट आई और प्लूरल कैटेगरी में है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, वर्ब की क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे सीधा सीधा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, आई गो, बहुत सिंपल है। अब दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, वह जाता है, वह जाता है। यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, किस कैटेगरी में आता है, सिंगुलर। अब ये सिंगुलर कैटेगरी में आता है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हो गई, क्योंकि हम उसी प्रकार से नहीं कर सकते जिस प्रकार से हमने प्लूरल कैटेगरी वालों के साथ किया है। सिंगुलर कैटेगरी में क्या करते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें हम यस या ईएस लगा देंगे, क्या करेंगे, यस या ईएस लगा देंगे। अब आप बचपन से पढ़ते हैं यस या ईएस लगा देंगे, यस या ईएस लगा देंगे, लेकिन मैं आपको यह बताने वाला हूं क्या रीजन है, हम क्यों लगाते हैं। सबसे पहले हम एक बार लगा के देख लेते हैं, ही गोज, ये हमने लगा दिया यहां पर ईएस, अब ये बिल्कुल सही है। मैं जाता हूं आई गो हो गया, वह जाता है ही गोज हो गया। अब मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं कि यस या ईएस यहां पर क्यों लगाते हैं और यहां पर क्यों नहीं लगाते हैं। अगर आपको ये रीजन पता चल गया तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कभी गलत होने वाला नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है चाइल्ड और यहां मैं लिख देता हूं चिल्ड्रन। चाइल्ड हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं सिंगुलर, चिल्ड्रन हम ढेर सारे बच्चों की बात कर रहे हैं प्लूरल, यानी एक सब्जेक्ट का तो क्या हो गया सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या है यहां पर सिंगुलर और यहां पर सब्जेक्ट क्या है आपका प्लूरल। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वहां पर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लेके आते हैं, बिल्कुल सही सुना आपने, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा आपका प्लूरल वर्ब, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। अब ये होता कैसे, बाय डिफॉल्ट कोई भी सब्जेक्ट या नाउन की बात करूं मैं, बाय डिफॉल्ट कोई भी नाउन क्या होगा सिंगुलर होगा, जैसे चाइल्ड सिंगुलर है। अब चाइल्ड को प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें ई एन आर एन जोड़ दिया, चिल्ड्रन हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, चाइल्ड और यहां पर लिखेंगे चिल्ड्रन, लिखते एक बार चाइल्ड चिल्ड्रन, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में हो गया, ये आपका प्लूरल फॉर्म। अब यहां पर क्या करेंगे, हमको सिंगुलर फॉर्म की वर्ब लेके आनी है, यहां पर हमको प्लूरल फॉर्म की वर्ब लेके आनी है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी वर्ब अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है चिल्ड्रन, तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लूरल। अब इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं, चिल्ड्रन गो, बच्चे जाते हैं, ये बिल्कुल सही हो गया आपका। बट चाइल्ड, चाइल्ड क्या है सिंगुलर, तो हमको ये जो वर्ब की फॉर्म है यहां पर हमको सिंगुलर लेके आना पड़ेगी। जब हम वर्ब को प्लूरल फॉर्म से सिंगल फॉर्म में बनाते हैं तो वहां पर हम यस या ईएस लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। जी हाँ, जब हम किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें यस या ईएस लगाते हैं, लेकिन जब किसी वर्ब को हम प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं तो जस्ट अपोजिट फिर हम उसमें यस या ईएस लगाते हैं। तो इसी तरीके से चिल्ड्रन गो तो अपने आप में बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है चाइल्ड, चाइल्ड के साथ में हम क्या करेंगे चाइल्ड गो और इसको अब हम सिंगुलर बनाएंगे ईएस लगा करके, चाइल्ड गोस, बच्चे जाते हैं, चिल्ड्रन गो, चिल्ड्रन बच्चे जाते हैं, बच्चा जाता है,
अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, वर्ब एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। इसके लिए हम एक नई वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये जो सिंगुलर है इनके साथ सिंगुलर फॉर्म की वर्ब चाहिए, ये जो प्लूरल है इनके साथ में प्लूरल फॉर्म की वर्ब चाहिए, तो आपको बिल्कुल प्रेजेंट इंडिफिनिट क्लियर हो जाएगा। आप अपने दिमाग में अगर इस टेबल को रखते हैं, ही सी इट नेम बॉय एंड आई यू वी दे बॉयज, ये कैटेगरी आपका सिंगुलर का है, ये कैटेगरी आपका प्लूरल है। अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई और आपने एक ही चुटकी में सेंटेंस पहचान लिया, तो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट कभी गलत नहीं हो सकता है। आपको बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना है कि सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। वर्ब का फॉर्म जो दिया होता है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसको आपको चेंज करने के लिए यस या यस लगाना पड़ता है। यहाँ पर लिखा हुआ चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, सिंगुलर एक वचन। अब इस एक वचन के साथ में वर्ब का एक ही वचन आएगा, तो वर्ब क्या करेंगे इसमें यस या यस लगा करके आप इसको सिंगुलर फॉर्म में लाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आपका प्लूरल फॉर्म में होता है, तो आप क्या करेंगे प्लूरल फॉर्म के लिए वर्ब का सीधा सीधा फर्स्ट फॉर्म रख देंगे, क्योंकि कोई भी वर्ब अपने आप में प्लूरल फॉर्म में ही होती है। अगर आप दूसरा सेंटेंस बनाना चाहें तो दूसरा सेंटेंस बना करके यहां पर देख सकते हैं। ओके, कोई भी इस कैटेगरी का आप उठा सकते हैं। वह जाती है, वह जाती है, वह की अंग्रेजी सिंपली सी, जाती है सी गोज। राम जाता है, राम गोज, बहुत सिंपल है। लड़का जाता है, बॉय गोज। अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि यहां पर यस क्यों लगा हुआ है। अब हम इस कैटेगरी के कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। तुम जाती हो, यू, यू किसमें कंसीडर है प्लूरल में, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठा करके सीधा सीधा यहां रख देंगे यू गो। वी गो, बहुत सिंपल है। आप इसको अगर ध्यान में रखते हैं आई यू वी दे बॉय, तो आप कोई भी एक्शन वर्ड उठा करके इनके साथ में रख सकते हैं। यू गो, वी गो, दे गो, बॉयज गो, आई रन, यू रन, वी रन, दे रन, बॉयज रन, आई ईट, यू ईट, वी ईट, दे ईट, बॉयज ईट। और यहां पर आप सिंपली क्या करेंगे, ही ईट्स, सी ईट्स, इट ईट्स, नेम किसी का नाम लेंगे, राम ईट्स एंड बॉय ईट्स। तो आप सिस्टमैटिक तरीके से ट्रांसलेशन देखते रहिए, और अगले इस वीडियो में हम देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अगर आपको ट्रांसलेशन को एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसके बाद भी, अगर कोई सजेशन भी देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिए। थैंक यू।